हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गगनप्रीत। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं LeEco LE2 फ़ोन का। ये मैंने अभी फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, तो आइए हम उसको देखते हैं। ये फ़ोन है हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा फ़ोन हमारा। और मैं आपको इसकी अब स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 32 GB मेमोरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मेमोरी 3 GB रैम है इसमें, 5.5 इंच की स्क्रीन है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। खोलते हैं, हमारा फोन ग्रे कलर का फोन है ये। और इसमें हमें स्क्रीन गार्ड मिल जाता है और कवर लगा हुआ है इसके पीछे। जैसे कि इसमें हेडफोन्स नहीं दिए गए हैं, तो ये USB की वो दे गई है हमें लीड। और इसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं दिया हुआ है, बल्कि USB कनेक्टर है, जो कि ये आपका, जो USB से कनेक्ट करके आप अपनी ईयरफोन्स अटैच कर सकते हैं। और आयर ब्लास्टर भी इसमें दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और चलिए मैं इसको सेट करता हूँ फ़ोन को। तो फ़ोन को हमने सेट कर लिया है, ये देखिए, ये है LeEco 2 कट। आइए तो मैं आपको इसका कैमरा चेक करवा देता हूँ। इसका बैक कैमरा ऑटो फोकस इसमें गिवन है, थोड़ा सा लोड लिया इसने फोटो क्लिक करने में। ये देखते हैं, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी फ़ोन की, और उसमें आपको स्लो मोशन मोड भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये रहा, तो फ़ोन को हमने सेट कर लिया है LeEco 2। और ये आप देख सकते हैं, इसकी मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्शमेलो के साथ आता है ये फ़ोन, एंड्रॉयड मार्शमेलो। और बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फ़ोन के एजेस अच्छे हैं, और बैक आप देख सकते हैं 2.5D कर्व ग्लास है इसमें। बाकी आइए कैमरा टेस्ट कर लेते हैं इसका, फ़ोन का। अब काट दूंगा, टेंशन मत, काट दे बंद कर। और फ़ोन जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम हैंडी है, हाथ में बिल्कुल ग्रिप इसकी फिट हो जाती है। और बाकी कैमरा फ़ोन का सही में बहुत अच्छा है, बेटर है। और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर तो बहुत मतलब फास्ट है, ये देखिए टच करते एकदम ओपन होता है। तो बाकी आप फ़ोन देख सकते हैं, इस बजट में आपको Xiaomi और बाकी अदर्स फ़ोन भी मिल जाते हैं। तो आप देखिए आपको क्या पसंद है। बाकी इसकी कैमरा पिक्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आगे।